आज से कई सालों पहले सती प्रथा एक सामाजिक प्रथा थी, जिसमें एक विधवा महिला को अपने पति की चिता में जलने के लिए मजबूर किया जाता था। यह प्रथा कई क्षेत्रों में प्रचलित थी, विशेष रूप से भारत के कुछ हिस्सों में। सती प्रथा का उल्लेख प्राचीन हिंदू ग्रंथों में मिलता है, लेकिन इसके व्यापक रूप से प्रचलित होने का समय मध्यकालीन भारत था। 19वीं सदी में ब्रिटिश राज के दौरान इस प्रथा के खिलाफ आवाजें उठनी शुरू हो गई थी। कई सामाजिक सुधारकों जैसे राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के खिलाफ कड़ा संघर्ष किया था। 1829 में सती प्रथा को भारत में औपचारिक रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया। इसके बावजूद कुछ क्षेत्रों में यह प्रथा कई वर्षों तक जारी रही। सती प्रथा का पालन करने वाले समाज में यह मान्यता थी कि यदि एक महिला अपने पति की मृत्यु के बाद अग्नि में नहीं जलती तो उसे समाज में अपमानित किया जाएगा और उसके परिवार को कलंकित माना जाएगा। इस प्रथा में महिलाओं के अधिकारों और स्वतंत्रता को अत्यधिक सीमित कर दिया। यह समाज में लैंगिक असमानता को बढ़ावा देती थी, लेकिन सती प्रथा अब एक अविश्वसनीय और अमानवीय प्रथा के रूप में देखी जाती है। इसे भारतीय समाज की एक कुप्रथा के रूप में समझा जाता है। आज के समय में महिलाओं के अधिकारों और लैंगिक समानता पर ध्यान दिया जा रहा है। समाज में जागरूकता बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रम और अभियान चलाए जा रहे हैं। हम स्टोरी के माध्यम से स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम सती प्रथा का किसी भी प्रकार से प्रचार नहीं कर रहे हैं। यह प्रथा न केवल महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन करती है, बल्कि यह समाज की नैतिकता और मानवता के खिलाफ भी है। नमस्कार, जनता दरबार न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन शर्मा और आज हम आपको एक ऐसी खबर से रूबरू कराएंगे जिसने समाज में न केवल अपना बलिदान देकर बदलाव किया, बल्कि महिलाओं की स्थिति को भी नई दिशा प्रदान दी। यह कहानी है साहस, संघर्ष और प्रेरणा की, यानी सती रूपकंवर की। रूपकंवर ने अपने साहसिक निर्णय से सती प्रथा के खिलाफ एक मजबूत आवाज उठाई, जिसने समाज में एक नई जागरूकता की लहर भी दौड़ाई। आज हम जानेंगे कि कैसे रूपकंवर ने अपने समय की कुप्रथाओं का सामना किया और किस तरह उनकी कहानी आज भी प्रेरणा का स्रोत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस दिलचस्प और महत्वपूर्ण कहानी से। साल 1984 का वह काला दिन जब राजस्थान के एक छोटे से गांव में कुछ ऐसा हुआ कि दुनिया भर की मीडियाओं ने यहां अपने कैमरे और पत्रकार भेज दिए। यहां राजस्थान विधानसभा से लेकर संसद तक सफेद पोशों से लेकर खाकी तक में भगदड़ मच गई थी। ये भारत में दर्ज सती प्रथा का अंतिम मामला था। बताया जाता है कि यहाँ 18 वर्षीय रूपकंवर को कथित रूप से अपने पति की चिता पर जिंदा जला दिया गया था। अब सालों बाद एक बार फिर से इस मामले की चर्चा सुनने को मिली है। कारण साफ है, क्योंकि अदालत ने मामले के 37 साल बाद पर्याप्त सबूत न होने के कारण अंतिम 8 आरोपियों को भी बरी कर दिया। बताया जाता है कि रूपकंवर उस समय सिर्फ 18 साल की थी। उनकी शादी 24 वर्षीय माल सिंह से हुई थी। शादी के केवल 8 महीने बाद यानी 4 सितंबर 1987 को माल सिंह के पेट में दर्द होने से उसकी मौत हो गई थी। उनके शव को अंतिम संस्कार के लिए उनके गांव यानी सीकर के दिवराला लाया गया। इसके बाद जो हुआ उसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। एक रिपोर्ट के अनुसार रूपकंवर ने सती होने की इच्छा व्यक्त की थी। ये एक प्राचीन प्रथा थी जिसमें विधवा अपने पति की चिता पर स्वयं को जला देती थी। रूपकंवर ने अपने ससुर को अपनी इस इच्छा के बारे में बताया। यह दुल्हन के वस्त्र में अंतिम संस्कार में शामिल हुई और हजारों ग्रामीणों की उपस्थिति में अपने पति की चिता के साथ सती हो गई। कहा तो ये भी जाता है कि रूपकंवर ने अपने पति के सिर को अपनी गोद में लिया था। वो गायत्री मंत्र का जाप कर रही थी। कुछ ही समय बाद वह आग की लपटों में जलकर अपने पति के साथ चली गई। राजस्थान के दिवराला में हुई इस घटना को सुनकर आसपास के गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। हजारों लोग रूपकंवर की मृत्यु स्थल पर आने लगे। लोग यहां नारियल भी चढ़ाने लगे।
जब इस घटना की भनक एक राजस्व अधिकारी को लगी तो उन्होंने एक पुलिस कांस्टेबल को वहां पर भेजा। जांच की जब कांस्टेबल ने तो उसने वहां पर मौत के भयावह विवरण उसके सामने देखने को मिले। एक पुलिस कांस्टेबल ने जब ये सब देखा देवरालय के अंदर, तो जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि एक बड़े पत्थर है उसको लाल कपड़े से ढका हुआ पाया गया, जिसके सामने एक त्रिशूल लगा हुआ था। वहां हजारों लोग फूल धूप और नारियल चढ़ाकर सती माता की पूजा कर रहे थे। बता दें कि जैसे ही रूप कंवर की मौत की खबर फैली, इस मामले को पूरे राजस्थान और भारत में प्रमुखता मिली। धार्मिक संगठनों और जाति समूहों ने इस कृत्य का समर्थन करते हुए इसे धार्मिक स्वतंत्रता और परंपरा का मामला बताया। समर्थकों ने सती माता स्थल की रक्षा करना शुरू कर दिया और इसे धार्मिक और जातीय गौरव का प्रतीक बना दिया। इस घटना के बाद राजस्थान सरकार को कार्रवाई करनी पड़ी। रूप कंवर के ससुराल वालों सहित कई लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। हालांकि यह मामला जल्द ही विवाद का विषय बन गया और लोगों की राय विभाजित हो गई। 1987 में भारत सरकार ने सती प्रथा निषेध अधिनियम भी पारित किया, जिसमें सती प्रथा और इसके किसी भी प्रकार के महिमा मंडन पर स्पष्ट रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया। हालांकि कानूनी कार्रवाई में दशकों लग गए। अक्टूबर 2024 में यानी घटना के लगभग 4 दशक बाद अदालत ने मामले में अंतिम 8 आरोपियों को भी बरी कर दिया, क्योंकि ठोस सबूतों की कमी थी। सभी आरोपी जिनमें रूप कंवर के परिवार के सदस्य और घटना के समय मौजूद लोग शामिल थे, अब बरी हो चुके हैं। हालांकि सती प्रथा को रोकने के लिए कानूनी कदम उठाए गए थे, लेकिन रूप कंवर का मामला आज भी भारत के कुछ हिस्सों में सांस्कृतिक और धार्मिक तनाव का प्रतीक बना रहा। हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम सती प्रथा का प्रचार नहीं कर रहे हैं और इस प्रकार की अमानवीय प्रथाओं का कड़ा विरोध भी करते हैं। सती प्रथा महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन करती है और यह एक सामाजिक कुप्रथा है जो मानवता के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। इसलिए हम सभी से आग्रह करते हैं कि वे ऐसी प्रथाओं के खिलाफ आवाज उठाएं और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में सहयोग करें। महिलाओं के अधिकारों और सम्मान की रक्षा करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। यदि कोई भी सती प्रथा का समर्थन करता है या इसे बढ़ावा देने का प्रयास करता है तो यह एक गंभीर समस्या है और इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। हमें मिलकर इन कुप्रथाओं का विरोध करना चाहिए और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। आपका सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। मिलते हैं फिर नई किसी खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।